वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट अवर लेसन नंबर 16, आर्टिकल्स. यू नो दैट द आर्टिकल्स ए ई आई ओ यू आर नोन एज वाउल्स. ऑल द अदर्स लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर नोन एज कंसोनेंट्स. वी यूज ए व्हेन द नाउन वी आर यूजिंग बिगिंस विद द कंसोनेंट साउंड्स. फॉर एग्जाम्पल, अ बैट, अ मैन, अ टाइगर, अ कप. वी कैन यूज एन व्हेन द नाउन्स वर यूजिंग बिगिंस विद द वाउल साउंड. फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन आउल, एन ईगल. तो हाउ एवर वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट इज इट इज द वे वी प्रनाउंस अ वर्ड दैट टेल अस वेदर वी यूज ए और एन बिफोर इट एंड नॉट ओनली द स्पेलिंग. जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, एन. तो यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स हैं जिसके साथ ये लगते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, जो कि हमारे वाउल्स हैं. So, for example, when we use the word university, then we use A. This is because when we say university, the pronoun is with a Y sound at the beginning as the top. It was spelled university. Hence, university is correct and not an university. So, इसमें हमने क्या देखा कि जो कि हमारा वर्ड है यूनिवर्सिटी, उसके साथ क्या आएगा? हम ए यूज़ करते हैं बिकॉज यूनिवर्सिटी को हम किसी साउंड के साथ प्रनाउंस करते हैं, वाई की. तो सिमिलरली व्हेन यू यूज़ द वर्ड आवर, देन वी यूज़ एन. दिस इज़ बिकॉज व्हेन वी से आवर, वी डू नॉट प्रनाउंस द एच, इट इज़ एज ऑफ इट वर स्पेल्ड आवर. हैंस एन आवर इज़ करेक्ट एंड नॉट अ आवर. तो इसमें से जब हम आवर को यूज़ करते हैं, उसको हम एच साइलेंट होता है, उसको हम आवर में यूज़ करते हैं. और इसको हम इसके किसके साथ यूज़ करते हैं? एन के साथ. इसको हम ए के साथ यूज़ नहीं करते. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन डेफिनेट आर्टिकल द. हमारे पास दो टाइप के आर्टिकल हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट. तो जो इनडेफिनेट होता है उसमें ए एंड एन यूज होता है, जो डेफिनेट होता है उसमें द यूज होता है. ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स. दे आर यूज बिफोर नाउन्स दैट टॉक अबाउट समथिंग और समवन यू हैव नॉट मेंशन बिफोर. फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल एट द स्कूल टूडे. आई सॉ ग्रीन एंड येलो बॉल. बस जो हम ए एंड एन है वो किसके बाद यूज़ करते हैं? नाउन्स के बाद, जो कि किसी चीज़ के बारे में बात होती है, समथिंग और समवन के बारे में, जिसमें मेंशन किया होता है उससे बिफोर में. ए एंड एन आर यूज व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोफेशन. फॉर एग्जांपल, मिस विलियम इज एन इंग्लिश टीचर, माय फादर इज़ अ डॉक्टर. जहाँ पे कुछ प्रोफेशन यूज़ किया जाता है वहाँ पे ए एंड एन यूज़ किया जाता है. लेट अस लुक एट द यूजेज ऑफ द. तो हम द कहाँ पे यूज़ करते हैं? वी यूज द व्हेन वी नो दैट द पर्सन वी आर टॉकिंग टू नाउस और कैन वर्क आउट व्हाट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट. जब हम किसी के बारे में पता होता है, किसी पर्सन के बारे में, उसके बारे में हम टॉक करते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, उसका वर्क जानते हैं और वो हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कार दैट आई बॉट इज़ ब्लू इन कलर. डिड यू रीड द बुक? इसमें क्या कहा? जो कार है उसने बाय की है, उसका कलर क्या है? ब्लू कलर है. वो क्या है? द. तो इसके उसने तो उसने इसमें क्या था? बुक. तो उसके साथ द यूज़ हो गया. वी ऑल्सो यूज़ द व्हेन वी हैव ऑलरेडी मैंशन द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. फॉर एग्जाम्पल, मदर बॉट टू गिफ्ट्स, अ बाइसाइकिल एंड अ डॉल. शी गिव द बाइसाइकिल टू मनीष एंड द डॉल टू मीना. तो इसमें दो पर्सनस हैं और दो थिंग्स हैं, टू थिंग्स हैं, उसके बारे में बात की गई है और दोनों को द के साथ यूज़ किया गया. वी यूज़ द टॉक अबाउट अ जियोग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द ग्लोब. कहाँ पे यूज होता है? जियोग्राफिकल पॉइंट्स के थ्रू ग्लोब में. द साउथ पोल, द इक्वेटर, द ट्रॉफी ऑफ कैंसर, रिवर्स, ओशन एंड सीज के साथ क्या यूज़ होता है? द यमुना, द इंडियन ओशन, द इंग्लिश चैनल. सर्टन नाउन्स व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, जिसमें एक पर्टिकुलर थिंग होती है, वहाँ पे भी द यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, द रेन, द मून, द विंड, द वर्ल्ड एंड द राष्ट्रपति भवन. रिमेंबर, द डज नॉट मीन ऑल. जो द है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सभी के साथ होता है. फॉर एग्जाम्पल, द क्लाउन्स आर फनी. दिस सेंटेंस डज नॉट से दैट ऑल क्लाउन्स आर फनी. इट मीन्स दैट द क्लाउन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और रेफरिंग to her funny. If we went to say that all clowns are funny, we should say clowns are funny. जो कि हमारा द है वो ऑल्स के साथ यूज़ नहीं होता. वहाँ पे जिसके बारे में, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि एक क्लाउन के बारे में हमने क्या लिख पढ़ा था, the clowns are funny. बट जो यहाँ पे वो, if we want to say all clowns are funny, then we should
clowns are funny. When we are talking about countries like India, Pakistan, Burma and Bangladesh, we do not use an article. जो ये countries हैं उसके साथ हम article use नहीं करते. India is the second largest democracy in the world. Bangladesh is known as for its famous Dakhi series. However, we use the when we are talking about countries like UK, the USA and the Irish republics. हम किसके साथ ये use करते हैं? The UK के साथ, US के साथ. Here are some examples. So, let's start the exercise. Put A or N before each of these words. Dictionary. Dictionary के साथ हम क्या use करें? A dictionary, a bag, an hour, a house, a license, a phone, an honest woman, an Indian handicraft. तो इसमें हमने किस किस का use किया? A और N का use करना है. तो किस किस के साथ होता है? An easy question, an onion, a pancake, an exercise, a lock, a nail, a useless activity, a bouquet, an orange, a pair of trousers, an interesting lesson, an aunt. इसमें हमने क्या किया? कहाँ कहाँ पे ए यूज़ किया और कहाँ कहाँ पे एन. ए, ई, आई, ओ और यू के साथ जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उसमें हमने एन यूज़ किया है. टेक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ दी सेंटेंसेज. वी वेंट टू द लवर्स एंड सॉ द मोनालिसा. तो इसमें क्या था? हमने द के साथ जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उसको यूज़ करना है. यहाँ पे द. वी वेंट द लवर एंड सॉ द मोनालिसा. द शाज आर गिविंग गोइंग टू डाइन विद अस. हियर द शाज. शी रीड द लास्ट और लास्ट चैप्टर. हियर वी मोस्टली वर्ड यूजेस विद द. द लास्ट. दे वेंट ऑन द वॉक इन द फॉरेस्ट. जस्ट राइट हियर द फॉरेस्ट. द अर्लियर और अर्लियर रिक्वायर स्पेशल केयर एंड अटेंशन. द अर्लियर. ही वॉज बॉर्न इन द 1920s और 1920 इन द. दिस इज द थर्ड टाइम और थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे. द आवर क्रूज क्रॉस द कैरेबियन इन 7 days. प्लीज He works for the Indian Express. I enjoy the book you gave me. इसमें हमने क्या यूज़ करना था? जो वर्ड द के स्टार्ट हो साथ स्टार्ट होते हैं उसको यूज़ करना था. Fill in the blank these blanks with the appropriate article. Put a circle in the blanks that do not require an article. हमें इसमें आर्टिकल्स यूज़ करने हैं और उस सेंटेंस को क्रॉस कर देना है. यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता. I bought a pair of pants and a shirt. I saw a car crash last week. They are staying. तो यहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे तो इसलिए हमने क्रॉस कर दिया. I think the man is very unfriendly. I don't like the football. This is an issue between you and the boss. The water is dirty. Don't drink it. The price of gas keeps rising. Here is the Raman moved to dash Chandigarh. Here we are not using any article. So this is a cross. मिस्टर कोयराला इज अ नेपालीश. तो इसमें हमने अ यूज़ कर दिया. हमने अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है कि उसमें कौन सा ए और कहाँ पे एन और द आएगा. फिल इन दिस ब्लैंक्स विद ए एंड दी और लीव इट ब्लैंक इफ़ आर्टिकल आर नॉट नीडेड. तो इंग्लिश इज डैश ईजी लैंग्वेज. तो इसमें हम ई है स्टार्टिंग में तो हम क्या यूज़ करेंगे? एन. Please buy an apple for me. May I have your dash address? तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करें. I have never seen such an united team. Could you repeat the question? Dhaval is the best student in our class. What is the name of the boy who is sitting on the last bench? He has taken dash my car today. So here are we not putting any article. So we will cross here. He takes the car to the school every day. I went to the hill station during my summer vacation. I love to go to the beach on Sundays. Is there a stationery shop nearby? The United States of America celebrates its Independence Day on the 4th of July. Give this cricket kits to the teacher. He will select a boy from the team to clean them every day. Hope you guys understand all the articles and all the exercise. Thank you. Have a good day.